Big hello and a very warm welcome to this session of English class. मैं मानसी सबका स्वागत करती हूँ. बच्चों आज के English के इस session में हम जो chapter पढ़ रहे हैं the crowded train. हमने last session में पढ़ना start किया था भीड़ भरी train. तो इसी को आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि story में क्या हुआ था. तो आइए पढ़ते हैं the crowded train. In the last session we have read that Vinod has come to Bhopal. विनोद जो है भोपाल आया हुआ है इंदौर से और अपने ऑफिशियल काम से आता है और उसने ये सोचा है कि मैं सुबह आऊंगा और शाम को रात तक अपने घर वापस भी पहुंच जाऊंगा. पर जब वो ट्रेन पे जाता है, जब वो प्लेटफॉर्म पे जाता है, देखता है कि ट्रेन जो है वो ओवर क्राउडेड है, बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे. तो उसका जो टिकट होता है वो सेकेंड क्लास का होता है. वो सोचता है कि इसमें तो मैं सफर कर ही नहीं सकता. तो जब वो ध्यान से देखता है तो एसी जो कोच होता है, एयर कंडीशन कोच में कुछ सीट्स खाली पड़ी. तो वो सोचता है कि मैं उसका जो डिफरेंस है वो टीटी को दे दूंगा और एसी कोच में चला जाऊंगा. ये सोच के वो जाके वहां बैठ जाता है. जब ट्रेन चलने ही वाली होती है तब एक जो है नौजवान वहां पे आता है, उस ट्रेन में घुसता है उसी डब्बे में, जो कि बहुत ही कपड़ों से अच्छे कपड़े नहीं होते उसके पहने हुए जो उसने होते हैं, और उसका बैग भी पुराना सा फटा सा दिख रहा होता है. तो वो उसी टाइम आता है और ट्रेन में बैठता है. अब आगे हम पढ़ते हैं. He seemed to be a little out of place with all the rich people as co-passengers around him. उसके आसपास के जितने भी लोग थे, यानी कि उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे थे, वो उसमें से सबसे अलग दिख रहा था. क्योंकि बाकी के लोग सब जो है बहुत ही अच्छे बड़े घरों के अमीर दिख रहे थे, है ना, लेकिन वो उसके कपड़े और उसका रहन सहन जो है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था. तो वो इसलिए आउट ऑफ प्लेस, यानी कि अलग ही लग रहा था. सम ऑफ देम स्टार्टेड विस्परिंग व्हाइल अदर्स फेल्ट अनकंफर्टेबल ड्यू टू हिज प्रेजेंस. अब क्या हुआ, जैसे ही वो आके बैठा उनके कंपार्टमेंट में, कुछ लोगों ने जो है कानाफूसी स्टार्ट कर दी. विस्परिंग यानी कि कानाफूसी, फुसफुसाहट, एक दूसरे के कान में बोलने लगे उसको देख के. और बाकी के जो लोग थे, कुछ और जो थे, उनको अनकंफर्टेबल यानी कि असहज सा महसूस हो रहा था उसको देख के. उनको होता है ना, कई लोग होते हैं कि भाई हम तो अमीर हैं, ऐसा है, पैसा है हमारे पास, और अगर उनके पास कोई ऐसा थोड़ा साधारण व्यक्ति आ जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता. तो इस तरह से उन दूसरे लोग जो थे उसकी प्रेजेंस में, यानी कि उसके आने की वजह से उनको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था. टू ऑफ द पैसेंजर्स स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड लुक्ड अप एंड डाउन एट द यंग मैन एंड देन स्टार्टेड रीडिंग अगेन. उनमें से दो लोग ऐसे थे, दो पैसेंजर्स, दो यात्री ऐसे थे जिन्होंने जो अखबार पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो वो रोक के उन्होंने पूरा ऊपर से नीचे तक उस आदमी को देखा और फिर से जो है अपना पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया. यानी कि सब लोग उसको जज कर रहे थे उसके कपड़ों से और इससे कि कैसा गरीब आदमी है और ये यहाँ कैसे आ गया. उनको लग रहा था कि ये जबरदस्ती घुस आया है. विनोद वाज सरप्राइज्ड टू सी सच अ मैन इन एन एसी कोच. विनोद को भी बहुत आश्चर्य हुआ ये देख के, इस तरह के आदमी को एक एयर कंडीशन कोच में देख के उसको भी बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ. ही रिकॉल्ड हाउ क्राउडेड द ट्रेन वॉज. तो उसने याद किया, रिकॉल्ड यानी याद किया कि कितनी जो है भीड़ थी इस ट्रेन में. बट ही वंडर्ड इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फेयर फॉर द एसी क्लास. और फिर उसको ये भी लगा कि क्या ये आदमी जो है एसी क्लास का जो इतना भाड़ा लगता है, बहुत अच्छे खासे पैसे लगते हैं एसी में बैठने के, तो उसका जो अपियरेंस था उसको देख के उसे लग रहा था, विनोद को लगा कि क्या ये पैसा दे पाएगा, क्या इसने पैसे दिए होंगे एसी क्लास के. फेयर यानी किराया, भाड़ा. Vinod thought perhaps the young man expected that no one would come to check the tickets and he would be able to travel even without a ticket. Vinod ne kya socha? Vinod ne socha ki perhaps the young man expected ki shayad ye jo young man hai, ye jo aadmi hai, naujawan, isne expect kiya hoga, isne socha hoga ki that no one would come to check the ticket, ki shayad koi ticket check karne aayega hi nahi, and he would be able to travel even without a ticket. और वो आदमी जो है, वो जो यंग मैन है, वो आराम से बिना टिकट के ट्रेवल कर लेगा. तो ये सारी बातें विनोद के मन में चल रही थी. बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर द टीटी अपीयर्ड. लेकिन ठीक आधे घंटे बाद टीटी जो था वो उनके कंपार्टमेंट में आया, उनको दिखा. विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड द मनी टू पे द डिफरेंस. विनोद ने अपना टिकट निकाला और जो डिफरेंस था पैसों का वो उसने देके जो है नया टिकट बनवा दिया. द यंग मैन सैट स्टिल. जो आदमी यंग मैन जो था वो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था.
Had he no ticket at all? क्या उसके पास टिकट ही नहीं था? विनोद wondered why he was so calm. विनोद ने सोचा कि ये इतना शांति से कैसे बैठा हुआ है. मतलब अगर सपोज आपके पास टिकट नहीं है और टीटी आ जाए तो आपको क्या होगा? आप जो है फिर इधर उधर भागने की कोशिश करोगे, है ना, इस तरह से होगा. लेकिन वो बिल्कुल शांति से आराम से बैठा हुआ था. Is he not afraid of the law? क्या उसे कानून का बिल्कुल भी डर नहीं था? Will he pay the penalty for traveling without a ticket? क्या वो बिना टिकट के जो यात्रा कर रहा था उसकी पेनाल्टी, उसका पैसा देने के लिए वो तैयार था? या वो दे पाएगा? The TTE moved towards him and he showed the ticket very calmly. TTE जो था वो उसकी तरफ घूमा, उसकी तरफ गया और उसने बड़ी ही शांति से उसको अपना टिकट दिखा दिया. टीटी को उस यंग मैन ने अपना टिकट दिखाया. He had a valid ticket for traveling in the AC coach. यानी कि उसके पास एक वैलिड टिकट था उस एसी कोच में ट्रेवल करने के लिए. तो इस तरह से आपने देखा कि किसी के भी बाहरी जो है रूप से ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि वो कैसा है, और हम अपने मन से ही सारे कयास लगा देते हैं. स्टोरी में यही हुआ, विनोद और जितने भी बाकी के पैसेंजर्स थे सबने कयास लगा लिया उस आदमी का, हुलिया देख के, उसके कपड़े, उसका बैग देख के, कि ये तो एसी में बैठ ही नहीं सकता, इसके पास क्या पैसे होंगे. लेकिन उसके पास एक वैलिड टिकट था और तभी वो वहां बैठा था. देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जज अ फ्लावर और अ बटरफ्लाई बाय इट्स अपीयरेंस बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग. यानी कि एक फ्लावर को, एक फूल को या फिर एक बटरफ्लाई, तितली को आप उसके अपीयरेंस, यानी कि वो बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से कैसी तितली दिखती है या फिर कैसा फूल दिखता है, इससे आप उसको तो जज कर सकते हैं, फूल को, तितली को, कि वह कितनी सुंदर है या सुंदर नहीं है. बट नॉट ए ह्यूमन बींग, लेकिन आप एक ह्यूमन बींग को जज नहीं कर सकते. एक इंसान को उसके कपड़ों से, उसके बाहरी आवरण से जज नहीं कर सकते कि वो कैसा होगा, वो सही है कि नहीं, अमीर है, गरीब है, ये सब बातें हम कई सारी चीजें व्यक्ति को देख के ही सोच लेते हैं, ये गलत बात है. इस तरह से आपने देखा ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर था जो हमने पढ़ा. अब इसके आगे के जो एक्सरसाइज पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे. आइए आप जो है अपना पीपीटी पार्ट देखते हैं. So children, today we will start with grammar in use. यानी कि जो ग्रामर हमारे डेली यूज में आती है, यूज होती है, उसको देखेंगे. फर्स्ट इसमें जो है, change the following statements into questions. यहाँ कुछ statements दिए हुए हैं, उसको हमें questions में change करना है. यानी कि normally हम क्या करते हैं, question के answers देते हैं, यहाँ पे sentences है, उनसे हमें questions बनाना है. First word हमारे पास दिया हुआ है, हमको उसी के आगे से जो है क्वेश्चन बनाना है. देखिए जैसे कि सेंटेंस है, द मैन हैड अ बैग, यानी कि आदमी के पास एक बैग था. फर्स्ट जो वर्ड है वो हमारे पास है डिड, तो डिड से बनाना है हमें. डिड द मैन हैव अ बैग, क्या आदमी के पास बैग था? देखिए कुछ चीजें जो आपको समझने वाली है वो देख लीजिए. हैड, हैव, इसका जो है हम सिंगुलर में यूज करते हैं, ठीक है ना. Did the man, यहाँ पे had था sentence में, ठीक है ना. Question में जब हम did use कर रहे हैं तो फिर वहां पे उसके साथ have लग जाएगा. Did the man have a bag, क्या आदमी के पास bag था? Have जो है क्या है, हमारा first form है, had second form है, ठीक है. चूंकि यहाँ पे did लगा है इसलिए हम had नहीं लगा सकते. Did the man had a bag हम नहीं कर सकते, did the man have a bag. तो अब अगर आप question में did लगा रहे हैं और जो है आपके पास सेंटेंस में हैड है तो हैव हो जाएगा. द टीटीई हैड अ हैट, यानी कि टीटी के पास एक हैट थी. डिड द टीटीई हैव अ हैट, तो बहुत सिंपल है, आप सेंटेंस जो का त्यों उतार रहे हैं, बस हैड की जगह हैव लग रहा है जब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड डिड है. ही गॉट इनटू द एसी कोच, अब यहाँ पे चेंज हो गया, हैड हैव की जगह क्या आ जाएगा. यहाँ पे जो वर्ब है, देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ब क्या था, इसमें हैड था, इसमें भी हैड था, ठीक है ना. तो हमने हैड का फर्स्ट फॉर्म हैव ले लिया. अब इसमें क्या है, ही गॉट इनटू द एसी कोच, यानी कि वो एसी कोच में आ गया, चढ़ गया. गॉट, तो गॉट इसमें हमारा वर्ब है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है गॉट, ठीक है ना. फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गेट होता है. डिड हमारा क्वेश्चन में आ गया, तो डिड ही गेट इनटू एसी कोच, क्या वो एसी कोच में आया, तो डिड के साथ हम गॉट नहीं लगा सकते, इसलिए डिड ही गेट इनटू एसी कोच. विनोद लिव्ड इन इंदौर, फिर से डिड है. डिड विनोद लिव इन इंदौर, विनोद इंदौर में रहता था, क्या
विनोद इंदौर में रहता था, तो डिड विनोद लिव इन इंदौर, तो यहाँ पे लिव्ड जो कि एक हमारा वर्ब था तो इसमें डी हट गया और लिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज विनोद पेड द डिफरेंस, तो पेड यहाँ पे हमारा वर्ब है, तो हम डिड से अगर क्वेश्चन स्टार्ट करें, डिड विनोद पे द डिफरेंस, तो पेड का फर्स्ट फॉर्म पे हो जाएगा, ठीक है ना। द पैसेंजर्स स्टार्टेड विस्परिंग, तो इसमें स्टार्टेड ये जो था ये हमारा वर्ब है, डिड द पैसेंजर्स स्टार्ट विस्परिंग, तो आपको मेनली क्या याद रखना है कि हमारा वर्ब क्रिया शब्द कौन सा है। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, तो हमें जंबल्ड वर्ड है हमारे बुक में, हम जब देखेंगे तो जंबल्ड वर्ड है, उसको सेंटेंस में फ्रेम करना है ठीक से, और जहां भी नेसेसरी हो वहां कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, व्हाटएवर। तो ये पंक्चुएशन की बेसिकली एक एक्सरसाइज है और साथ में जंबल्ड है, तो उसको भी देखते हैं। आंसर्स यहाँ पे डायरेक्टली दिए हुए हैं, विनोद लिव्ड इन इंदौर, यानी कि विनोद इंदौर में रहता था, ही ट्रेवल्ड इन एन एसी कोच, उसने एक एसी कोच में ट्रेवल किया, यात्रा की। He decided to pay the difference. उसने जो डिफरेंस था, अंतर था, वो देने का निर्णय लिया। The young man was poorly dressed. Young man जो था वो बहुत ही खराब उसने कपड़े पहने थे, अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। विनोद kept the money ready in his hand. विनोद ने अपने हाथ में पैसे तैयार रखे थे। ये जब हम नेक्स्ट सेशन में अपनी बुक में देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Use the prefix re, un to write the new words and write their meanings. तो देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं, जो किसी शब्द के पहले जो लगते हैं वर्ड्स वो होता है प्रीफिक्स। यहाँ हमें क्या करना है, कुछ वर्ड्स दिए हुए उसके पहले हमें री या अन जो भी प्रीफिक्स बेस्ट होगा वो लगाएंगे और फिर उसका मीनिंग क्या निकलता है ये भी बताना है। तो देखिए राइट में हमने री लगाया तो री राइट, री का यूज क्या होता है, जो हम फिर से करते हैं, ठीक है ना, जो काम हम फिर से करते हैं उसको, उसके आगे हम री लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो राइट री राइट, री राइट का मतलब क्या हुआ, राइट अगेन यानी फिर से लिखा। टोटल री टोटल, तो इसका मीनिंग क्या है, टोटल अगेन फिर से टोटल किया। फिर है टेल री टेल, तो रीटेल मतलब टेल अगेन फिर से बताया। डायल री डायल, डायल अगेन, डायल मतलब क्या होता है, आप जैसे कि फोन होता है, फोन से आप नंबर डायल करते हो, है ना, तो डायल अगेन। हैप्पी अनहैप्पी, अब यहाँ पे री नहीं आएगा, यहाँ पे अन आ गया हमारा प्रीफिक्स, तो हैप्पी अनहैप्पी यानी नॉट हैप्पी, अन का मीनिंग होता है नॉट, ठीक है ना, जैसे री का मीनिंग होता है अगेन तो वैसे ही अन का नॉट, तो हैप्पी अनहैप्पी नॉट हैप्पी। ऑफिशियल अनऑफिशियल, यानी कि नॉट ऑफिशियल, अनऑफिशियल का मतलब क्या होता है, नॉट ऑफिशियल। आप ये देख सकते हैं कि जहां पे भी अन लग गया तो ये एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे अपोजिट्स बन गए, हैप्पी अनहैप्पी अपोजिट है, ऑफिशियल अनऑफिशियल इज अगेन अपोजिट्स। कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल का मतलब नॉट कंफर्टेबल, जो आरामदेह नहीं होता उसका मतलब है अनकंफर्टेबल। एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, यानी कि नॉट एक्सपेक्टेड, जिसकी हम आशा नहीं करते उसको हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। तो ये हमारे प्रीफिक्सेस थे। अब देखिए यूज द सफिक्स फुल टू राइट द न्यू वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स, तो हमें सफिक्स का यूज करना है, फुल सफिक्स का, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है वर्ड के। वंडर वंडरफुल, ठीक है ना, और इसका मीनिंग क्या हुआ, फुल ऑफ वंडर, यानी वंडर से भरा हुआ, आश्चर्य से भरा हुआ। हार्म हार्मफुल, यानी फुल ऑफ हार्म, जिसमें हार्म होता है, नुकसानदेह जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। होप होपफुल, यानी फुल ऑफ होप, जो हम आशा होती है जिसमें हमारी। और फियर फियरफुल, फुल ऑफ फियर, यानी डर से भय से भरा हुआ। तो ये हमारे जो है कुछ सफिक्सेस थे। तो आज हमने क्या क्या सीखा है बच्चों, आज हमने प्रीफिक्स सफिक्स का यूज सीखा है, हमने कई सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी है ग्रामर में, हमने कि वर्ड्स जो सेंटेंसेस हैं उनको किस तरह से क्वेश्चंस में हम तब्दील कर सकते हैं, डिड का यूज करके किस तरह से क्वेश्चंस बनाना है, तो और उसमें कई बारी चीजें भी हमने सीखी है। चैप्टर हमारा पढ़ के फिनिश हो गया है, नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम कुछ एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे। तो बच्चों आज का सेशन यही फिनिश करते हुए आपसे अलविदा लेती हूँ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, हैव अ नाइस डे, बाय।